नमस्कार दोस्तों। तो इस स्टॉक में ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई है, एक तरह से बहुत जबरदस्त। हर रोज एक नया ऑर्डर मिलता जा रहा है अब इस स्टॉक के अंदर, और इसको रोकना अब नामुमकिन जैसा हो गया है। ठीक है, आज के दिन में मार्केट में प्रेशर था एकदम से, मैं वही बता रहा हूँ। इसमें प्रेशर बनाया जाएगा, माल बिकवाया जाएगा और फिर माल खरीदा जाएगा। और ये भी याद रखिए, लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर खबरें बहुत शानदार हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। सब्सक्राइब और प्लीज ऑल वाला बटन जरूर दबाइएगा प्लीज। तो टाटा पावर रिन्यूएबल में आप सबको पता है, ये खबरें आ रही थी कि एक सान्या स्टील को ऑर्डर मिला है, एक चैलेट होटल्स के लिए ऑर्डर मिला है, एक उसके लिए ऑर्डर मिला। आज एक और खबर आई है, एक और इंडस्ट्री है जिसने इसको ऑर्डर दिया है। तो किसका नाम है, सीधा बीएससी की वेबसाइट पे चलते हैं। नाम है आपका, 26 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है नियोसिम इंडस्ट्रीज को। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअली में आयरन बनाती है, आयरन कास्ट करती है, वो वाली कंपनी है। तो हर तरह की कंपनी वो रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रही है। ऐसी ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट बनाना है इनको नियोसिम कंपनी के लिए। तो ऐसी हर एक कंपनी आपने देख लिया, वैरायटी ऑफ कंपनीज के लिए अब बन रहे हैं, होटल्स के लिए, कंपनीज के लिए, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे वो सोलर की तरफ मूव हो रहा है। तो ध्यान रखिए, स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है अगर इसके ऐसी अच्छी न्यूज चलती रही तो। ये 2500-3000 कोई लिमिट नहीं है अगर अच्छी न्यूज चलती रही। बस शॉर्ट टर्म वालों के लिए फिर कहूंगा, बेच के निकल जाइए, आपके लिए बहुत पैसा बन चुका है। लॉन्ग टर्म वाले प्लीज स्टडी कीजिएगा और इन्वेस्ट कीजिएगा।